हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें आपके जो स्ट्रैटेजी है जो आप अभी आगे देखोगे वो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू बोथ ग्रुप्स की है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक रजिस्टर लेके बैठना है जिसमें कि आपको एक रफ कैलेंडर बनाना है। जैसे आप कल से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो तो फ्रॉम 6th of July, क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैंने ये जो वीडियो है जो मैं अभी आप देखोगे ये मैंने कुछ टाइम अपलोड करी थी। मैंने जूम सेशन बच्चों का लिया था जिसमें कि मैंने स्ट्रैटेजी उन लोगों को समझाई थी और साथ ही ये जो वीडियो है ये मैंने अपलोड कर दी थी अपने चैनल पर। बट स्टिल बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन था कि स्ट्रैटेजी शायद उनको नहीं मिल रही थी, तो ये एक सेपरेट वीडियो है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, ये कुछ दिन ही पुरानी है, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। जस्ट आपको जैसे कल से स्टार्ट करनी है 6 जुलाई से, तो आप अपने जो एक कैलेंडर बनाओगे रफ कैलेंडर उसमें आप 6 जुलाई को टारगेट रखोगे, जो मैंने डे वन का टारगेट दिया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। प्लस जो सेकंड चीज़ है, कंपनी लॉ की जो स्ट्रैटेजी है वो आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो कि उसमें से कॉपी कर सकते हो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आपके 30 डेज़ की, ठीक है। तो आपका क्या है, साथ साथ ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। ग्रुप वन की स्ट्रैटेजी अलग है, ग्रुप टू की स्ट्रैटेजी अलग है। जो बच्चे दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं वो क्या करेंगे, जब वो कैलेंडर बनाएंगे रफ कैलेंडर, तो ग्रुप वन का जो मैंने टारगेट रखा है फॉर अ पर्टिकुलर डे एंड ग्रुप टू का जो मैंने पर्टिकुलर टारगेट रखा है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो आप वो चीज़ दोनों कॉपी कर लोगे उस डे में, ठीक है। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू इस तरीके से आपका प्रिपेयर हो सकता है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट रखनी है बात ध्यान में, वो तो ये है कि आपको डरने की, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स ही हैं जैसे हर एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप डरोगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इंस्टा मैसेजेस आते हैं और रिक्वेस्ट आती है कि मैम बहुत डर लग रहा है, हम भूल जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और डरोगे ना, तो आप क्या करोगे, जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर और असर होगा। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मली ऐसा लो जैसे आपका नॉर्मल एग्ज़ाम्स आप आज तक देते आए हो, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कंपनी लॉ की जो स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वो करो, और बस शांत दिमाग से एग्ज़ाम दे के आओ। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय। ये जो आपका प्लान है ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन, पहले एक बार अनम्यूट करके कोई बता दो कि स्क्रीन ठीक से दिख रही है। यस मैम। ओके, सो ये जो हाँ ठीक है, ओके हम स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन जो है आपका, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, GIGL, CL, SBEC एंड टैक्स। नाउ इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। बट इसकी जो ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगी और इसकी PDF भी मैं आपको अरेंज करके दे दूंगी, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में और इस वीडियो के नीचे। तो आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने के चक्कर में मत रहो। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं जिसमें कि आपके 2-3 इसमें वो हैं आपके थियोरी एंड 1 प्रैक्टिकल। GIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, उसका कोई सेग्रीगेशन नहीं है, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। देन CL में टोटल 23 चैप्टर्स हैं जो 50-40-10 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी करना है। इससे रिलेटेड जो है मैंने थर्सडे को वीडियो अपलोड की थी टारगेट वन, ठीक है। तो चैप्टर वाइज उसमें टारगेट लिस्ट है जो आप एक एक दिन पे कौन सा चैप्टर करोगे, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप कवर करोगे उसमें, ठीक है। फिर सेकंड आपका SBEC में आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं जिसका सेग्रीगेशन 40-35-25 है। एंड देन लास्ट टैक्स जिसमें DT IDT दोनों 50-50 वेटेज है। अब मैंने ये अज्यूम किया, जिस थर्सडे को हमारे सेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, थर्सडे को हमारे सेशन कंडक्ट हो रहा है और फ्राइडे से हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1.5 चैप्टर, मतलब 1.5 चैप्टर आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसमें स्पेसिफिकली मैंने उस चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने तरीके से उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, वो हमें कंप्लीट करना है, तो ज्यादा नहीं होता है, 2 चैप्टर्स नहीं, 1.5 चैप्टर आप लो,
ठीक है, और उसके साथ 1 चैप्टर ऑफ डीडी एंड 1 चैप्टर ऑफ सीएल। ये आपका एक दिन का स्ट्रैटेजी है, एक दिन का प्लान है जो आपको खत्म करना है नेक्स्ट। और यहाँ पे एक चीज और है, जैसे मैंने एक थ्योरी सब्जेक्ट लिया है उसके साथ मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि मॉर्निंग सेशन आप रखो अपना थ्योरी का, देन आफ्टरनून में प्रैक्टिकल, एंड देन रात को आप में थ्योरी रख सकते हो, ठीक है। फिर सैटरडे को नेक्स्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, जैसे कि IDT का आप एक चैप्टर कर सकते हो और SBEC के 2 चैप्टर कर सकते हो, और इसमें से भी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक एक आप बड़ा चैप्टर ले लो, एक छोटा चैप्टर ले लो, ठीक है। हमारा मोटो क्या है, पूरा सिलेबस विद इन 20 to 25 days में खत्म करना है। ऐसे ही आपके ऑल्टरनेटिव सेशंस मैंने किए हैं इसमें, और जैसे स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट पेपर से, देन आपका IDT है, तो एक दिन क्या है, एक दिन कम सब्जेक्ट्स रखे हैं और एक दिन ज्यादा सब्जेक्ट्स रखे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा IDT का 1 चैप्टर है, उसके साथ 2 चैप्टर SBEC के हैं, तो ये वेटेज इक्वल हो गई, एक साथ बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, तो इसी तरीके से 1.5 अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज करते हो तो ये आपका खत्म हो जाता है ऑन 24 जून, 2 चैप्टर जिसमें आपको करने हैं ये JIGL के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे JIGL खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसका रिवीजन कर सकते हो, और मैं यहाँ पे ये अज्यूम ले कर रही हूँ कि आपका जो ये सारा है ना, ये रिवीजन है, आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच जिनका जून अटेम्प्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी IDT है, IDT में आपके कितने चैप्टर्स हैं, IDT में आपके चैप्टर्स हैं 6 7 चैप्टर्स हैं टोटल IDT में, और DT में है आपके 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिव डेज करोगे तो आपका अच्छे से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। नाउ ये जो आपको ये दिख रहा है ना चैप्टर CL जो है, ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें 30 डेज की स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको टोटल 30 डेज लगेंगे। अगर आपकी ये है कि आपको एक दिन में 2 कवर करने हैं तो आप वो कर सकते हो, ये मैंने लेकिन हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करके बनाया है, और आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका टेक्स्ट में 17 चैप्टर्स, SBEC में 21, CL 23 एंड दिस। अब ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में ये खत्म हो जाएगा, और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए डिवाइड करने में इजी रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड उस पे, एक साथ क्वेरीज पूछना, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब जिनका सेकंड ग्रुप है उसमें CMA है आपका, कॉस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, हाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, देन ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज लॉज, और इसमें ये सारे और लॉज, और ये सारे जो लेबर लॉज वाला है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक एंड ऑल। तो इसमें भी यही पैटर्न है कि अगर आपका सेकंड ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप आप दे रहे हो, तो फ्राइडे से आप स्टार्ट करोगे, जिसमें कि आपके फर्स्ट जो है 2 चैप्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड चैप्टर 15 ऑफ CM। ये जो आपका कैपिटल मार्केट का जो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, सिक्योरिटीज लॉज वाला, इसमें जो चैप्टर 15 है ना वो थोड़ा वाइड है, 15 और 16 सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, देन लास्ट चैप्टर आपका एक दिन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलता रहेगा ऑल्टरनेटिव बेस पे, और इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 12 चैप्टर्स मैंने 2 चैप्टर्स पर डे डाला है, ये 2 चैप्टर्स फ्राइडे को स्टार्ट होते हैं और ये आपके खत्म होंगे यहाँ पे 14th को, 14th को आपका ये लास्ट 7 डेज में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ मैंने सिक्योरिटीज लॉज रखा है, वही पैटर्न है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका और साथ में एक थियोरी सब्जेक्ट लो, इससे क्या होता है सेग्रीगेशन ठीक रहता है, और थियोरी थियोरी पढ़ के ना थोड़ी बोरियत भी आती है, तो इस तरीके से आप अगर पैटर्न फॉलो करोगे और स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो ईजी रहेगा रिवाइव करने में, ठीक है।
ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, फिर आपके यहाँ से ऑल्टरनेटिव डे मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके 10 चैप्टर्स हैं, जो मैंने 2 चैप्टर्स पर डे लिए हैं उस हिसाब से आपका 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हो गई CMA की कंप्लीट। इसमें 22 चैप्टर्स हैं टोटल, 60 और 40 की वेटेज है। सबसे पहले हमने 60 की वेटेज कवर करी बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका एक पेपर, फिर आपका नेक्स्ट पेपर है ये वाला, उसको मैंने साथ में लेके चला है, ठीक है। इसकी नंबरिंग मैंने मॉड्यूल वाइज नहीं की हुई है। देन सैटरडे को जो आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे है उसमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ FM, ठीक है, और 1 चैप्टर ऑफ CL। अब CL में क्या है आपका, 35 इसका है, CL का 25 मार्क्स का है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से पैटर्न बनाओ। इसमें चैप्टर चैप्टर लिखा है, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो। बट मेक श्योर कि जब आपके जो पूरा टाइम टेबल है अपने नोटबुक में लिखोगे तो उसमें स्पेसिफाई करना मत भूलना कि आप कौन सा चैप्टर किस दिन कर रहे हो, ठीक है। ये तो मैंने सबके लिए एज जनरल बनाया है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उस चैप्टर का नाम लिख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में ये 15 और 16 नहीं करना है, 70 मार्क्स का पहले स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन 30 मार्क्स का करके क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कंप्लीट हो गया है। FM एंड FE, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, जो आपका लास्ट वाला है EBCL, जिसमें की वेटेज है फॉरेन एक्सचेंज की 40, देन CL 25 एंड देन BCL। BCL में फर्दर सेग्रीगेशन है, ठीक है, लाइक मेरे ख्याल से इसमें 4 सेग्रीगेशन है, जिसमें की अलग अलग कैटेगरी में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो ये मैंने सबसे लास्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप CL खत्म करोगे, फिर FE और फिर उसके बाद BCL। तो इस तरीके से ये तो आपका और भी जल्दी खत्म हो जाएगा, विद इन आई थिंक 20-23 डेज में आपका ये जो सेकंड ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अच्छे से करते हो। और उसके बाद जो आपके टाइम है रिमेनिंग, क्योंकि अभी एग्जाम्स की डेट तो फाइनल हुई नहीं है, तो हो सकता है कि ये मतलब जो अगस्त में हो तो आपको ये डबल रिवीजन करने को मिल जाए। तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी आपको 1 महीने की बताई है ना, जून की, ये जून की स्ट्रेटेजी है। अगर आपके एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल अगस्त में होते हैं तो आप जुलाई में भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो फॉर द रिवीजन, सेकंड रिवीजन पर्पस, ठीक है। ये आपका हम देखते हैं कि ये फर्स्ट रिवीजन है, और सेकंड रिवीजन के लिए आप जुलाई में इस पैटर्न को पूरा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप की बात थी। अब एक चीज और, जैसे जो बच्चे बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके बोथ हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे फ्राइडे को आपकी ये 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 3 टॉपिक्स कवर करने की बात हो रही है, आप इसी में जब अपना बनाओगे तो फ्राइडे को ये 2 टॉपिक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या होगा, बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और सेग्रीगेशन वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, जो इसके पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स स्कैनर्स अगर आप देख रहे हो, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका JIGL जो खत्म हो रहा है, ये आपका खत्म हो रहा है, इसको 24th को खत्म हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टाइम निकाल के ये जरूर एनालाइज करना कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाला, कोई भी जो ICICI की साइट पे आपको मिल जाएगा, वो प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में, 2 to 5 अगर होता है तो, जिनका दिसंबर में है, और इसमें समर्स में सुबह होता है 9 to 12, ठीक है। जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जिसमें कि आपके पास सिर्फ आंसर शीट होगी, लूज पेपर्स ले लो आंसर शीट के लिए, ठीक है, लूज पेपर्स ले लो और प्लस क्वेश्चन पेपर ले लो, क्वेश्चन पेपर सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ले लो, और वही एनवायरनमेंट बनाओ कि एक डेस्क पे टेबल पे मतलब टेबल शेयर करो, वहां पे सिर्फ आपकी किट होगी, आपके नेसेसरी वही चीजें होंगी जो आप अपने एग्जाम सेंटर में कैरी करते हो, वाटर बॉटल, टाइम मतलब वॉच, और स्टार्ट कर दो पेपर करना। उस टाइम ये नहीं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, आपने यहाँ पे 24th तक आपने खत्म कर लिया ना JIGL, तो उसके नेक्स्ट डे जब आप 25th को ये करने बैठ रहे हो, तो उसी टाइम शेड्यूल में टाइम निकालो और JIGL के क्वेश्चन पेपर निकाल के उसी स्लॉट में उसको पूरा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक अच्छी प्रिपरेशन भी होगी, ठीक है। अब ये दोनों हो गए,
ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे थोड़ी देर में। दो तीन अनाउंसमेंट्स और हैं जो मुझे करनी है। सबसे पहले जो एबीसी एनालिसिस है ग्रुप वन के लिए, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं आपके, जेआईजीएल, सीएल, एसबीसी, ये तीनों अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि कौन सा चैप्टर यू नो आपको करना है कवर और कौन सा नहीं करना है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, वहां से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसके जो ग्रुप टू का जो और एग्जाम जो पेपर है उसमें मैं दो का ही बनाऊंगी, एक तो सिक्योरिटीज लॉ का और एक बीसीएल का, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक्चुअली मैं इतनी मुझे पता नहीं है, तो मैं उसमें आपको नहीं बता सकती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे ये सब्जेक्ट्स मेरे लॉ सब्जेक्ट्स ही हैं, तो इसका नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हो। फॉर जेआईजीएल जिसकी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, और मैंने उस वीडियो में भी बताया कि अगर आपको क्लासेस लेनी है फॉर स्पेसिफिक चैप्टर, नॉट फॉर होल सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉ ऑफ टॉट्स या फिर लॉ ऑफ एविडेंस आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैंने कस्टमाइज क्लास बनाई है कि जो भी आप अपना मतलब कर सकते हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये दो सब्जेक्ट दो चैप्टर समझ में नहीं आए, तो एक फॉर्मेलिटी है, गूगल फॉर्म पे आप जाकर उस चीज को चूज कर सकते हो और फिर मुझसे क्लास ले सकते हो। इसके लिए पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ठीक है, और थर्ड जो मैंने आपको भी बताया भी कि जो ग्रुप वन में आपका कंपनी लॉ का पेपर है उसकी टू डू लिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कल इसकी फर्स्ट टारगेट डे वन का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया पार्ट ए चैप्टर वन का किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो डेली 6:30 आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा कंपनी लॉ का। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी और अनाउंसमेंट्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर कोई भी अपडेट है, जैसे कि आपको नहीं पता चलता है, कोई भी क्वेरी बीच में आपको आती है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफाई कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बटन है बेल आइकन वो दबा दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो भी होंगी ना वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैं बहुत सारी वीडियोज ऐसे डालने वाली हूँ, छोटी छोटी स्ट्रेटेजी या प्लान्स। ठीक है, और अगर वैसे आपको डीएम से कॉन्टेक्ट करना है मुझे, तो मेरा जो चैनल का नाम है वो लीगल ब्रेनरी है। ठीक है,